अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे YouTube चैनल में। आज हम ST102 प्लस की कैलिब्रेशन करेंगे। इंडिकेटर को ऑन करते साथ ही आपने कैली और इंटर का बटन दबा के रखना है 2-3 सेकंड के लिए। उसके बाद एक बेल की आवाज़ आएगी, साथ ही पास लिखा आ जाएगा। पास लिखने के बाद यहाँ पे आपने ये जो 102 है यहाँ पे लिखना है। एरो का बटन दबाएंगे एक बार, एक दफ़ा इंटर का दबाएंगे, यहाँ पे एरो से 1 लिखेंगे, फिर इंटर का बटन 2 दफ़ा दबाएंगे, 1-2, फिर एरो का बटन 2 दफ़ा दबाएंगे, यहाँ पे 102 हो गया। फिर हम इंटर का बटन 2 दफ़ा दबाएंगे, यहाँ पे फिर एरो का बटन 1 दफ़ा दबाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर हम इंटर दबाएंगे 1 दफ़ा। हमने इसको 10 ग्राम चलाना है। एरो की मदद से आप ग्राम चेंज कर सकते हैं, 20, 50 जितने भी करने हो। अगर आपने 10 ग्राम रखने हैं तो आप 10 एरो से लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आप इंटर का बटन दबाएंगे। इशारिया के आगे जितने डेसिमल पॉइंट आपने रखने हैं, अगर इशारिया के आगे आपने 3 0 रखने हैं तो यहाँ पे आप 3 लिखेंगे। एरो की मदद से आप यहाँ पे 1-2 भी कर सकते हैं। अगर आपने 3 रखने हैं तो 3 कर देंगे। उसके बाद इंटर का बटन दबाएंगे, ये फिगर आ जाएगा। उसके बाद फिर इंटर का बटन दबाएंगे, ये इसकी कैपेसिटी आ गई है। एरो का बटन दबा के आप कैपेसिटी को चेंज कर सकते हैं, 200 KG भी कर सकते हैं, 100 KG भी कर सकते हैं, जितना आपने रखना है। हम इसको 200 KG पे चला देते हैं, ठीक है। इंटर करेंगे, इंटर से आगे जाता जाएगा, आखिरी 0 पे ब्लिंक होगा, उसके बाद इंटर करेंगे तो लोड आ जाएगा। अभी ये मीटर जो है वो लोड मांग रहा है। प्लेटफार्म के ऊपर लोड रखेंगे, 10 KG वेट है हमारे पास। इस टियर वाली लाइट ऑन हो जाएगी, उसके बाद हम एरो का बटन दबाएंगे एक बार, फिर एक दफ़ा इंटर का दबाएंगे। इस 0 पे आ गया, यहाँ पे आपने जितना वेट रखा हुआ है 10 KG रखा हुआ है, तो यहाँ पे आपने 10 लिखना है। एरो की मदद से 1 दबाया, ये 10 हो गया, ठीक है। 10 के आगे 3 0 जो आपने रखे थे। कम से कम ये 10 ग्राम तोलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 200 KG तोल सकता है। 100 KG पे भी आप सेट कर सकते हैं, जहाँ पे 200 KG लिखा है वहाँ पे आप एरो की मदद से 100 KG भी कर सकते थे। फिर आप इंटर का बटन दबाएंगे, 1-2-3-4, आखिरी 0 तक 4 दफ़ा हो गया, एक बार फिर दबाएंगे तो ये कैलिब्रेशन कम्प्लीट हो गई। जितना वेट आपके पास होगा उतना यहाँ पे आपने एरो की मदद से लिख के फिर इंटर दबा के उसको ओके कर देना।